हेलो गाइस, आपका स्वागत है भाई माइनक्राफ्ट वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में मैं मेरा जो एरोप्लेन देशा खड़े और हेलीकॉप्टर देशा खड़े, इन दोनों घर के अंदर मैं डेकोरेशन करूंगा। और हम सबसे पहले तो ये जो हमारा प्लेन देशा घर है उसके अंदर हम डेकोरेशन करते थे, और उसके बाद हम हमारे हेलीकॉप्टर के देशा घर के अंदर हम डेकोरेशन करेंगे। और सबसे पहले तो हम हमारे जो लैंटर्न है वो मैं सब में लगा देता हूँ ताकि हमारे पूरे घर में उजाला हो जाए। तो मैंने पूरे में लैंटर्न लगा दिए है, और अभी हम ये वाला पलंग तो के सामने ब्लैक कलर का पलंग लगा देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट लगाएंगे। और चेस्ट लगाने के बाद सामने हम बुक सेल और वो सब वगैरह वगैरह हम चेस्ट और वो सब क्राफ्टिंग टेबल वो सब चीज़ें लगाएंगे। और हाँ गाइस, आप वीडियो को एंजॉय करते रहिए, मैं आपको बाद में या थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ। तो गाइस, हमारे एरोप्लेन वाले घर की डेकोरेशन तो हो चुकी है पूरी। सिर्फ भी जो हमारे पलंग है उसके बाजू में हम फ्लावर लगा देते हैं ताकि अच्छी खुशबू भी आए। हमारा बंदा हमारा प्लेयर वहाँ पर सोए तो वाइट कलर के फूल दो आजू बाजू लगा देते हैं। और आ गाइस, हमारा एरोप्लेन देश घर की तो हमारी डेकोरेशन पूरी हो चुकी है। और अब हम हमारे हेलीकॉप्टर जो घर है हमारा हेलीकॉप्टर उसके अंदर हम डेकोरेशन करेंगे। इस ये वाले घर में डेकोरेशन करने में कुछ बड़ी बात नहीं है, इसलिए ये पूरा छोटा घर है। तो सिर्फ मैं और अंदर पलंग तो लगाई हुआ है, और सिर्फ यहाँ पर हम एक चेस्ट लगा देते हैं, और यहाँ पर हम एक हमारे एक ओवन लगा देंगे हम, और एक सिर्फ दूसरा कुछ नहीं लगाएंगे। ये घर पूरा हम खाली ही रखेंगे ताकि अच्छा दिखे। और एक हम फ्लावर लगा देंगे ब्लू कलर के बाजू में, और वहाँ पर हमने फर्नेस क्राफ्टिंग टेबल लगा दिए, और यहाँ पर हमने चेस्ट लगा दी थी।
अभी हम बाजू में हम दो फ्लावर लगाते हैं ब्लू और ब्लू कलर के हमने लगा दिए, और यहाँ पर हम लेंट लगा दिए थे ताकि उसे उछालाए और मोब वगैरह यहाँ हमारे घर के अंदर स्पून ना हो। तो हमारे ये घर की भी हमारे हेलीकॉप्टर की भी डेकोरेशन हो चुकी है। तो हाँ गाइस, आपको एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर दोनों घर में से कौन सा घर ज़्यादा अच्छा लगा और दोनों घर में से किसकी डेकोरेशन ज़्यादा अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट में बताना। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।